Hey guys, welcome back to another video. This is your Deep. आज की वीडियो सिर्फ फूड के रिगार्डिंग नहीं होगी. आज हम राइड पे भी जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा. वो मैं अभी बताऊंगा नहीं वैसे, क्योंकि क्या आपको बीच में रास्ता देख के क्या करना है आपको. तो सॉरी, ये बातें बाद में. पहले मेरे साथ है पारस भैया, मेरे पहले भी वीडियो में आए हैं. जिनको नहीं पता, भाई का खुद का चैनल है, ये फैशन ब्लॉग्स करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब करो, पहले भी कहा था. तो जहाँ जा रहे हैं सुनने में आया बहुत अच्छी जगह है. भाई गए हुए हैं, मैं नहीं गया. वहां पे जाएंगे, अच्छा सा कोई मस्त सा फूड देखेंगे. और थैंक यू यार लास्ट वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए. और अभी तक अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिए. बहुत गंदे तरीके से मैंने अमृतसर कुलचे खाए हुए हैं. तो अभी जाएंगे, देखेंगे रास्ते में कौन कौन सा ढंग का फूड मिलता है. और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको दिखाएंगे हम जा कहाँ पे रहे हैं. तो स्टे ट्यून, मिलते हैं वहां पे जाके. तो गाइस फाइनली हम खड़े हैं इस टाइम मकेरिया और गुरदासपुर की रोड के ऊपर. यहाँ पे हैं कुलचे वाले. आप सोच रहे होंगे कि मेरा लास्ट व्लॉग भी कुलचों पे था, आज भी कुलचों पे ही है. इसके पीछे रीजन ये है कि मैं उन जगहों पे जाता हूँ जो जगह बहुत सारी फेमस है. तो आइए आपको मिलाते हैं जो कुलचा ऑनर है उनके साथ. अंकल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल. पहले तो अपना नाम बताइए. मेरा नाम बब्बी राम जी. ओके जी. अंकल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मैंने 1999 था. 1900. अंकल मेरा मैथ बहुत ना वीक है, ईयर बता दीजिए कितने ईयर. 30 साल हो गए. 30 साल हो गए आपको यहाँ पे. तो 30 साल से काफ़ी अंकल आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. तो आप सिर्फ मतलब ये अमृतसर एक कुलचे ही करते हो? हाँ, यही कर ले. चलो ठीक है अंकल, हमारे लिए भी लगाओ फिर, हम भी देखते हैं आपके कैसा टेस्ट है और कैसा है सब. सो गाइस फाइनली मेरा कुलचा आ गया यहाँ पर. यहाँ पे अमृतसर कुलचा, साथ में आपको मिलते हैं चने, उस पर डाला हुआ है अंकल ने दही, साथ में आपको मिलती है चटनी और प्याज. ऑब्वियस यार, कुलचा और चटनी और प्याज ना हो. और हाँ, मेरे को ना पिछली वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ना डर डर के खाते हो. भाई मैं डर डर के नहीं खाता. वो पहली वीडियो थी, थोड़ा शायद हो भी सकता है डर गया हूँ, पर इस टाइम फुल बेशर्मी होगी. ओए ओए, जो चने हैं ना नहायती सॉफ्ट हैं और स्पाइसी हैं, मतलब कि ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, मज़ा आ रहा है. अगर कुलचे की बात करें, पहले हाँ, जैसे मेरे भैया बता रहे हैं ये मक्खन वाला कुलचा है. पहले सिर्फ कुलचे को टेस्ट करूँगा मैं. एक टिपिकल आलू प्याज का कुलचा जैसा अमृतसरी होना चाहिए वैसा है. अच्छा टेस्ट दे रहा है, ऊपर मक्खन डला हुआ है, फुल पंजाबी उन वाली फीलिंग हो रखी है, नज़ारे वाला काम है. अगर कुलचे की बात करें और चनों की बात करें तो भाई अल्टीमेट टेस्ट. अगर कहीं भी आपका यहाँ पे मकेरिया में आना जाना हो तो यहाँ पे ज़रूर रुकें और ये ट्राई करें. तो मैं करता हूँ अपना कुलचा फिनिश, ठीक है. बाकी आपको लेके जाते हैं और किसी और जगह पे. सो स्टे ट्यून, मिलते हैं कहीं और जगह पे. सो गाइस मकेरिया से हम चल पड़े हैं बब्बी के कुलचे. मजा आ गया. अगर मकेरिया में हो तो जरूर ट्राई करो. भाजी कैसे थे यार? भाजी जलवा बहुत ज्यादा प्यारे कुलचे सीगे, बहुत ज्यादा स्वाद कुलचे सीगे, मजा आ गया. मतलब मक्खन च नवाए हुए, जिन्होंने कहते हैं ना मक्खन च नवाए हुए. अगर ठेठ पंजाबी में बोले, एक भैया ने वर्ड यूज कर दिया कि जलवा, दूसरा मैं कह दूं अगला आती.
पूरी पूरी अग लाती और बहुत अच्छे थे। अभी तो ये राइड फिलहाल शुरू हुई है महाराज, आगे हम जा रहे हैं पठानकोट की तरफ साइड पे, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पठानकोट का स्ट्रीट फूड जो है ना, अगर तो आज लगा हुआ तो आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि पठानकोट का स्ट्रीट फूड एक ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा एंड क्लास होता है। लो जी, चलो आज पठानकोट का स्ट्रीट फूड आप लोगों को दिखाते हैं। आज सिर्फ हम ही नहीं एक्सपर्ट, भैया भी एक्सपर्ट है फूड को लेके। तो आज ये जो मिलेगा ना, ये क्रेडिट जो ये क्रेडिट जाएगा इस वीडियो का, वो सिर्फ मेरा नहीं है, भैया का भी है, क्योंकि भैया ने भी बहुत सारा ये सर्च वगैरह की है। भैया भी फूडी है, भैया को भी खाने पीने का बहुत शौक है। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं पठानकोट और हम हैं अभी सबवे पर। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सबवे पे ब्लॉग बना रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ यहाँ पे कुछ आइस टी वगैरह लेने के लिए रुके हुए हैं। देखो, इतने हम इतने बड़े व्लॉगर हो गए, हमें ये भी भूल जाता कि हमने कैमरा ऑन किया है कि नहीं किया। 10 मिनट से बोल रहे हैं कैमरा ऑफ है। हम जा रहे हैं मिनी गोवा, पर उससे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई कॉलेज है वहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे एक चीज दिखानी थी आपको। ये देखिए, ये सारी बाइक्स के साथ बना हुआ है, कुछ अलग ही फंडा सा है, पर जो भी है अच्छा है। सो गाइस, फाइनली है हम पठानकोट से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमने जाना है। पीछे खड़ी है हमारी धरनों, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्या व्यू है, जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। अगर आप कभी पठानकोट वाली साइड आए तो किसी से बोल देना कि आपको मिनी गोवा जाना है, और मिनी गोवा जरूर जाए। ये देख सकते हैं आप, जगह बहुत ज्यादा प्यारी है। ये वो सारा व्यू, इस जगह को बोलते हैं मिनी गोवा। इधर हमारे पारस भाई अपनी व्लॉगिंग करते हुए। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिनी गोवा, और प्लीज ये व्यू चेक कीजिए। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिनी गोवा, और ये क्या है मिनी गोवा, आई विल शो यू इन 3, 2, 1। सो गाइस, यार ये ना आप रास्ते चेक करो यार, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ना हम किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी ना वो कौन सा है टैस्मेनिया वाली साइड घूम रहे हैं। सच्ची में यार, वाकई में ना अलग ही नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी सारी दुनिया आई हुई है यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये जो पानी कितना अच्छा लग रहा है यार।
गाइस, अगर आपको लगता है कि व्लॉगिंग करनी इजी है तो बिल्कुल इजी नहीं है। इस चीज़ का शॉट लेने के लिए हमें वहाँ पीछे ऊपर से चल के आना पड़ रहा है भाई, आप देख सकते हो। सो इतने एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है ना मेरे भाई। गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी में इतना चल के क्या चाहिए, वो एक गन्ने का जूस ये जरूरी है। And that's called vlogger's life. Cheers. Cheers. चलो थोड़ा की बारी बोटिंग दी, चलो बोटिंग के लिए। ओ मालका, दीपा जी, दीपा जी बैठा किते भाजी, ये फंडा की वही फंडा शानदार है जो भी है। अभी ना चक्कर कुछ ऐसा है कि हमें पहना दी गई है लाइफ गार्ड जैकेट्स, है तो ये जरूरी, पर ऐसा लग रहा है सर्दियों वाला फील आ रहा है जैसे दिसंबर का महीना हो। क्यों भैया? बिल्कुल सही है, सही पंजाबी, सही हिंदी। गर्मी पूरी हो रखी है, फिर भी देखिए हम इस साइड इसलिए बैठे हैं ताकि आपको अच्छा व्यू मिले, वरना उस साइड आप देख सकते हैं वो वाला ऑप्शन भी है छांव वाला, पर फिर भी यहाँ इसलिए आपके लिए बैठे हैं कि व्यू अच्छा मिले। तो दूसरी बार बोल रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। तो मुझे बिल्कुल भाई 100% भाई, ये गियर वगैरह कितने होंगे यार? अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। अच्छा पीछे करोगे तो रिवर्स गियर, भाई थोड़ा ज्यादा सीरियस रहने वाला है। 2000 ईयर लेटर, हम वो नहीं है जो फोटोज लगाते हैं, हम सीरियसली सच में बोलते हैं। 2000 साल के बाद हम फिर भी यहीं पे बैठे हुए हैं, अभी तक चली नहीं है।
हाँ जी, बोटिंग करके आप आ गए हैं वापस। बोटिंग च बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। गर्मी तू आगड़ा आता है, गर्मी में आना होगा इस टाइम च ना, उस तो नैक्सट आ गया अपना बोटिंग। एक इतने बाइक सुनिया जी यार की नाम उन्होंने दसते थे उन्होंने राइड्स। आज एक ऐसा अजूबा हुआ है जो कभी नहीं होता। मतलब वो अजूबा ये है कि आप पहली बार मेरे को पैसेंजर सीट में देख रहे हो और मैं किसी के साथ ड्राइवर सीट पे, मतलब कोई और है और मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ। और इस टाइम मैं पूरा डरा हुआ हूँ क्योंकि आपको पता है, आपको ज़्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, मैं पैसेंजर सीट में बैठना बहुत कम प्रेफर करता हूँ। तो मगर भाई आज कह रहे हैं, भाई भी मेरे जैसे ही हैं, ये भी पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ सकते, इतना ही इनको ड्राइव करने का मज़ा आता है। पर मेरे को मज़े से ज़्यादा डर ज़्यादा आता है दूसरी ऑपोजिट साइड पे बैठ के। तो बस अब भाई चला रहे हैं, अब अच्छा अच्छा है भाई। मेरा कदर देखो, मेरा टाइम है, मेरे टाइम बहुत जल्दी होती है भाजी। सीरियसली यार टैन बहुत ज़्यादा मेरे साथ बैठ के आप खुद को लग ये कह रहे हो कि आप टैन हो रहे हो। कद हो गई यार। मैं और भैया निकले हुए थे यहाँ से और अभी देखो वो रेंज बढ़ रही है, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया था, मतलब पेट्रोल एकदम खत्म हो गया था। भैया को इतनी जल्दी है कि पीछे भी बंद नहीं हुआ, पीछे करो तो पाया नहीं। मैंने कह दी चल चले चलिए बोले ना, सिस्टम क्या हो रहा है? सिस्टम ये हो रहा है यूट्यूब पे वीडियो भाई बनाओगे देखो आ जाओ दाढ़ी बनाओगे इसे कहते हैवी ड्राइवर। लो वीरो भाजी ने करता कलोल हिंदी, तुम जो देखिया ना हूं सब भाजी की देन नहीं नहीं जी नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं। एडे प्रो ड्राइवर है ना, हैवी ड्राइवर है ये। नोजल हाले बेचा गड्डी दी और भाई ने तोड़ ली भाजी ने ना, और पेट्रोल पंप वाला चीका मारदा है मेरी नोजल पट के लेके चले आ मेनू ना भाजी ने लिया। भाजी कहते अपना कहते चलो एक डंडा वध गया, मैं कहा चलो मैच हो गया पेट्रोल। मैं भाजी ने कहा कि भाई 1 किलोमीटर रह गया, भाजी ने पता नहीं की ध्यान च आया भाजी ने नपती गड्डी हले तेल भी नहीं पोया पूरा। मामा रसोई, मामा रसोई जाके नाले कुछ भलन चुन चाहिए। मामा रसोई का पता नहीं टेड उदी नहीं करदे भाई, फुटबॉल चलदा इन्ना कपांदा आ। अच्छा आप मामा रसोई जा के तुहानू सीधे उत्थे दा व्यू दिखाने, चलो पे आए थे पे जगह ना मामा रसोई पर हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ अपना इशू है, वो व्लॉग नहीं करने दे रहे थे हमें। तो हमारा तो है ही फूड व्लॉग, हमने करना क्या था वहाँ पे, अब कहीं और किसी और जगह पे जाके देखते हैं और बनाते हैं कहीं और सीन। तो गाइस जो मैं चीज अब आपको दिखाने वाला हूँ ना, मेरे को उसका 1% भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अभी ये बिल्कुल प्लान नहीं था। हम जा रहे थे पारस भैया के नाना जी के घर, वहाँ पे इनके मामा जी के घर। तो रास्ते में ये दिख गई, मेरे को नहीं पता ये क्या सेल कर रहे हैं, पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये कार है और ये भैया कौन सी मारुति है, 800। ये मारुति 800 है और मैंने तो आज तक ये कार ऐसी नहीं देखी कभी भी। तो भैया इस कार के बारे में पहले बताओ, करते हैं क्या और ये क्या
आइटम क्या है, चीज क्या है? एक्चुअली भैया हमने अभी नया नया काम शुरू किया है, ये नारियल पानी का। ओके। तो पहले तो मेरी वर्कशॉप है अपनी ना, तो वहीं से हमने मॉडिफाई करी है ये। तो आपके आप मतलब आप कार वर्कशॉप है? हाँ जी हाँ जी। तो भैया कार वर्कशॉप में ये इतना कितने पैसे का अलग सा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करी है, मतलब नारियल पानी। मैं आपको पूरा सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा इसका कार का, पहले भैया से बात करते हैं। तो भैया आप बताओ कैसे हो गया ये सिस्टम इतना? बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग में आइडिया आया कि मतलब एक्चुअली ये चीज अपने कार्ड में देखी थी मैंने यूट्यूब पे। ओके। तो मुझे आइडिया आया कि इसको हम कार में भी लगा के कर सकते हैं इस पे फिट ना। बिल्कुल। तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी सामान लोड करो कोई चलाने में कोई दिक्कत नहीं, तो इस करके ये आइडिया आया था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया बस। तो भैया अब आपको दिखाते हैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स इन 3, 2, 1। ये फंडा तो आपने देख लिया, और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो और भाई जी का नारियल पानी पीना चाहते हो तो एड्रेस नोट कर लो। भैया आप अपनी लोकेशन बताओगे, आप कहाँ पे मिलते हैं? ये भैया पठानकोट में सैली रोड में है। ओके। ये चावला मार्बल है बिल्कुल सामने, उसके ऑपोजिट हम लगाते हैं कार। तो आप मोस्टली यहीं पे होते हो? हाँ, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहीं पे हैं। तो इस चीज का मजा अगर लेना है ना तो चावला मार्बल्स के ऑपोजिट भैया रहते हैं, जरूर आओ। नारियल पानी पीना पियो, नहीं पीना तो वो भैया आपकी इच्छा है। यहाँ पे कार का मजा लेने जरूर आओ, बहुत जबरदस्त कार है यार। भाई करूंगे कुछ पेश। ओए 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 ओए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा जगाड़ भैया ने बनाया हुआ है, वो वहां से वो उसमें नारियल में होल करते हैं और उल्टा करके यहाँ पे रख देते हैं, नीचे टैप लगी हुई है। भाई ये जायका तो मैंने आज तक नहीं कहीं पे देखा। मैं हूँ जैसे आपको पता है एक फूड ब्लॉगर, पर ये चीज मैंने अभी तक आज तक कहीं नहीं देखी। ये मेरा डिस्पेंसर है, इसमें स्टील की पाइप होती है। ओके। वो ठंडा कर देती है पानी को ना। अच्छा जी। हाँ। So guys, आज का व्लॉग फूड व्लॉग तो इतना कुछ खास रहा नहीं, ट्रैवलिंग व्लॉग ज्यादा हुआ। अभी हम आ रहे हैं पारस भैया के ननिहाल से, यानी कि पंजाबी च नानके घरों। तो मैं एक बात बताऊं आप सबको कि इतने हम्बल बंदे मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मेरे को ऐसा लगा था मैं अपने नानके में पहुंचा हुआ हूं। बहुत मज़ा आया। वो जो कुछ पल थे वो मैं शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो कुछ एक ज़िंदगी में ऐसे होता है कुछ टाइम जो आप पर्सनल अपने लिए रखना चाहते थे, वो कुछ वैसा ही था। तो मैं उस टाइम बहुत खुश था जिस कारण मैं व्लॉग नहीं बना पाया तब। तो आई होप आप इस बात का माइंड नहीं करोगे, और अगली वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगा जिसमें आपको बहुत सारा फूड देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन सी जगह का अपना वीडियो देखना चाहते हैं, किस किस चीज़ का आप चाहते हो कि मैं फूड रिव्यू करूँ। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ वेज चीज़ें मिलेंगी, नॉन वेज नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाता। हाँ, अनटिल मेरे को कोई नॉन वेज पार्टनर ना मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। सर साडा भी चैनल कहते कर भूल लिखे कर लियो सब्सक्राइब। सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, भैया का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा कुछ नहीं पता लगा, कर दो बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे, सिर्फ खाने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज जाओ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है गाइस, टेक केयर जी।